बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इंजीनियर शहजाद अशरफ फ्रॉम योर फेवरेट चैनल टॉप स्पॉट फिजिक्स। और स्टूडेंट्स, वंस अगेन हम लोग एमडी कैट, ई कैट और पीपीएस एग्जाम्स के हवाले से एक आने वाला ऐसा टॉपिक जिसको लेके स्टूडेंट समटाइम परेशान रहते हैं, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में इन डिटेल बात करने जा रहे हैं, और खास तौर पे आज हमारी डिस्कशन रहेगी अबाउट द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो इंशाल्लाह इसमें हम तमाम तरह की चीजें, हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, स्पीड और पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन, हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड रेंज, द रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड रेंज, ये सारी बातें जो है इस वीडियो में इंशाल्लाह हो रही होंगी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप लोग इस मुश्किल टॉपिक को बासानी जो है वो सॉल्व कर पाए। इससे पहले मैं लीनियर प्रोजेक्टाइल के टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने लीनियर प्रोजेक्टाइल को मिस कर दिया है तो आप वो वीडियो जाके, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वो भी देख सकते हो, या प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एमडी कैट 2023 के टॉपिक के अंदर आपको लीनियर प्रोजेक्टाइल भी मिल जाएगी। आइए स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करते हैं, थोड़ा तेजी से चलेगा क्योंकि हम डेफिनेशन पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? इट इज एक्चुअली या टू डायमेंशनल मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ऑलरेडी बात हो चुकी है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये लीनियर मोशन नहीं है। तीन चीजें मिलकर डेफिनेशन कंप्लीट कर रही होती हैं। नंबर एक में आप लोगों को याद कर लेना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है दैट इज एक्चुअली अ टू डायमेंशनल मोशन, यानी ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम जो है वो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। जैसे आप ये इस थ्रोन बॉल को देख सकते हो कि ये ऊपर भी जा रही है और स्ट्रेट पाथ में भी मूव कर रही है। फिर स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कि समटाइम हम चीजों को स्ट्रेट थ्रो करते हैं, बट उसकी मोशन टू डायमेंशन में क्यों कन्वर्ट हो जाती है? ग्रेविटी उसके पाथ को बेंड कर रही होती है। तो द कॉज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज बेसिकली ग्रेविटी, इट इज ड्यू टू ग्रेविटी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपको ये याद रखना है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके दौरान एक्सलरेशन क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। हम इस वीडियो में बात करेंगे पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान एक्सेलरेशन जी के बराबर रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ऐड करनी है वो है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये तीन चीजें मिलके प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रही होंगी, तो ये सारी चीजें पता है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। स्टूडेंट क्विकली ओवरव्यू लेते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल का, फिर हम लोग मेजरली हम ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को आज टारगेट कर रहे होंगे। तो ये मैं ऑलरेडी लीनियर प्रोजेक्टाइल के टॉपिक में टाइप बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ। तो एक है लीनियर प्रोजेक्टाइल, समटाइम इसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, और एक है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। आइए पहले स्टूडेंट्स हम लोग लीनियर प्रोजेक्टाइल को अंडरस्टैंड करते हैं। लीनियर प्रोजेक्टाइल को अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग एक डायग्राम देख सकते हो, मैंने यहाँ पे पहले डेफिनेशन लिख रखी है कि लीनियर प्रोजेक्टाइल ऐसी प्रोजेक्टाइल है जिसको कुछ हाइट से थ्रो किया जाएगा, बट कैसे थ्रो किया जाएगा स्टूडेंट्स? हॉरिजॉन्टली, मतलब एक पर्सन ने कुछ हाइट से खड़े होके एक हाई बिल्डिंग से, मैं कहता हूँ, एक बॉल को थ्रो कर दिया। लेट्स सपोज ये हाई बिल्डिंग है, यहाँ से एक पर्सन ने एक बॉल को यहाँ से स्टूडेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर दिया, और आपको पता है ये बॉल हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करती रहेगी, ग्रेविटी जो है वो इसके पाथ को बेंड कर देगी और फाइनली इसकी जो मोशन होगी ये प्रोजेक्टाइल होगी, यानी ये टू डायमेंशन में मूव कर रहा होगा। तो इस टाइप की प्रोजेक्टाइल को बोलते हैं लीनियर प्रोजेक्टाइल, जिसमें दो कंडीशन होंगी, एक तो जिसको किसी ना किसी हाइट से थ्रो किया जाएगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप थ्रो कैसे करोगे? यू विल थ्रो दिस प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली, यानी आपका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनेगा वो 0 डिग्री पे हमेशा थ्रो करना है। तो इसको सॉल्व करने के तमाम ट्रिक्स जो हैं वो अलग हैं, और उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो जो है वो बना चुका हूँ, लेकिन आज आपकी ज्यादा तवज्जो रहेगी और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल स्टूडेंट्स क्या है? जिसको हम हॉरिजॉन्टल के साथ किसी ना किसी एंगल पे थ्रो करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्सन बॉल को थ्रो कर रहा है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टली नहीं थ्रो कर रहा, वो थ्रो करते वक्त हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल थीटा के ऊपर वो थ्रो कर रहा है, और ये थीटा एंगल जो है ये 0 डिग्री नहीं है, ये 0 और 90 के बीच का कोई एंगल होगा। तो ऐसी प्रोजेक्टाइल जिसको हॉरिजॉन्टल के साथ किसी ना किसी एंगल पे थ्रो किया जाए, जैसे एक रॉकेट को लॉन्च करना है, जैसे एक फुटबॉल को किक करना है, जैसे एक बॉल को बैट से हिट करना है, दे ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल।
तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिकली रहेगी अबाउट द ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल स्पेल गलत लिखे गए हैं, इनको देख लेते हैं। अच्छा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में बच्चों, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में सबसे पहले आपने यू हैव टू डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल मोशन। ओके, मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या किया, एक बॉल जो है उसको एक खास एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ थ्रो कर दिया, और एंगल मैंने थीटा पे विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई से थ्रो कर दिया। अच्छा, एक बात याद रखो कि यहाँ पे हमारा शुरू में कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है, और वो एंगल मैंने मेंशन कर दिया थीटा। अब आप लोग एक काम कर सकते हो, यू कैन रिजॉल्व दिस वेलोसिटी इनटू टू कंपोनेंट्स। आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना सकते हो, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये वाला स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां तक हो जाएगा कौन सा भला, एक्स कंपोनेंट, जिसको मैं लिखूंगा वी आई एक्स बोलूंगा, और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स होगी कितनी भला, वी आई कॉस ऑफ थीटा। और ये बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट, और शुरू में जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट होगा उसे मैं वी आई वाई बोलूंगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, वी आई साइन थीटा। तो सबसे पहले तो याद रखो कि इनिशियली हमने एक वेलोसिटी वी आई से एंगल थीटा पे जब फेंका, तो बिल्कुल स्टार्ट में हम वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना सकते हैं। बच्चों, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करने जा रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन में सबसे पहली चीज ये याद रखनी है आप लोगों को कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उस दौरान स्टूडेंट्स हमने एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट किया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो एयर फ्रिक्शन है वो निग्लेक्टेड है। तो अगर हम एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही होगी, वर्टिकली तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टूडेंट्स कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो अगर हम एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दें, मैं पहली बात देखूंगा कि हम लोग एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो एयर फ्रिक्शन स्टूडेंट्स निग्लेक्टेड है। अगर एयर फ्रिक्शन को निग्लेक्ट कर दिया जाए तो देयर विल बी नो फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द फोर्स स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर फोर्स जीरो हो गई तो सोच के बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा, तो जो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन है ऑब्वियसली वो भी कितना होगा, जीरो होगा। और स्टूडेंट्स दो बातें याद रखिएगा, एक्सेलरेशन दो ही सूरतों में जीरो होता है, या तो ऑब्जेक्ट कैसे हो रेस्ट की फॉर्म में हो, या ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा हो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। या तो पॉसिबिलिटी है कि रेस्ट में होगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होगा कैसे भला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। अब मुझे ये बताओ जरा, क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट की फॉर्म में है? नहीं, ये तो मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली, और अभी हम इसकी हॉरिजॉन्टल मोशन की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है तो अंडरस्टूड सी बात है कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ये तो निकल गया, रेस्ट में नहीं हो सकता, मूव कर रहा है। तो अगर मूव कर रहा है तो फिर एक चीज अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन मूविंग बॉडी का तभी जीरो आएगा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तभी जीरो आएगा जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इट मींस के वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कभी भी चेंज नहीं होना। अभी मैंने आपको एक चीज बताई कि बिल्कुल शुरू में एक्स कंपोनेंट कितना था, वी आई कॉस थीटा, कुछ देर के बाद किसी और पॉइंट पे वो फाइनली एक्स कंपोनेंट पूछे, तो बेटे मैंने अभी बताया फाइनली जो है वो एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होना, वी एफ एक्स उतना ही होगा जितना कौन होगा, वी आई एक्स होगा, और वो कितना था, वी आई कॉस थीटा। यानी अगर आप किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू ढूंढोगे तो स्टूडेंट्स वो हमेशा आपको कितनी मिलेगी, वी आई कॉस थीटा मिलेगी, जितनी बिल्कुल इनिशियल में थी। तो ये आपके सामने एक क्विक ओवरव्यू है हॉरिजॉन्टल मोशन का, कि एयर फ्रिक्शन निग्लेक्टेड है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो दो ही सूरतों में होता है, या रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हो, ये रेस्ट में नहीं है तो लिहाजा ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी का रहेगा कांस्टेंट, यानी आप फाइनली किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आप एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पता लगाओगे वो उतना ही होगा जितना इनिशियली एक्स कंपोनेंट था, और इनिशियली कितना था, वी आई कॉस थीटा था। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द वर्टिकल मोशन। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसी प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल मोशन के बारे में। स्टूडेंट्स जल्दी बताइएगा कि वर्टिकली कोई फोर्स एक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है, वो कौन सी है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है
वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और इनफैक्ट वो किसके बराबर है, वेट के बराबर है। पहली बात तो ये याद कर लो कि वाई डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और वो वेट के बराबर है। अच्छा, अब फोर्स जीरो या नॉन जीरो, तो बेटे फोर्स नॉन जीरो है, यानी फोर्स तो लग रही है, इट मींस तो इसका मतलब है अगर फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगा। अब वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन वाई डायरेक्शन में स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो है। अब स्टूडेंट का सवाल है अगर नॉन जीरो है तो सर फिर कोई ना कोई वैल्यू भी तो होगी, और स्टूडेंट आप सबको पता है कि जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो हमेशा जी के बराबर, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, जी के बराबर होगा, और अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मींस जो वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहा होगा, वेरी कर रहा होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वाई डायरेक्शन में, तो लिहाजा जो वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। काफी दफा पास पेपर में इस तरह के सवाल आता है कि कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट कौन सी चीज वेरी कर रही होगी, तो जो वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो कैसा रहेगा, वेरिएबल रहेगा। अब वेरिएबल रहेगा तो कभी भी उसकी वैल्यू पूछ सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अगर बिल्कुल शुरू में हम वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लें तो हमारे पास दो कंपोनेंट बने थे, एक स्टूडेंट बना था कौन सा भला, वाई कंपोनेंट, और दूसरा कौन सा बना था, एक्स कंपोनेंट। तो बिल्कुल शुरू में जो वाई कंपोनेंट था, मेरा सवाल है वी आई वाई, वेलोसिटी का शुरू में वाई कंपोनेंट कितना था, दैट वाज वी आई साइन थीटा। तो मैं काम करने लगा हूं कि बिल्कुल स्टार्ट में मैं वेलोसिटी का इनिशियली वाई कंपोनेंट कितना था उसकी, उसका नाम मैं रखूंगा वी आई वाई, और स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू कितनी होगी, वी आई साइन थीटा होगी। लेकिन अगर वो कुछ देर के बाद वाई कंपोनेंट पूछे, क्या फिर भी वैल्यू वी आई साइन थीटा होगी? नहीं बेटे, आपने अभी देखा जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो वेरिएबल है। तो इट मींस फाइनली अगर वो आपको वाई कंपोनेंट पूछे तो आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, और वो फॉर्मूला कैसे आया, बहुत आसान है। वी एफ वाई का, यानी फाइनली किसी पॉइंट पे वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट पूछे तो स्टूडेंट याद रखिएगा उसका फॉर्मूला होगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसकी डेरिवेशन बहुत ही आसान है, ये वेलोसिटी का फाइनली किसी भी पॉइंट पे वाई कंपोनेंट मालूम करने का फॉर्मूला है। इसकी डेरिवेशन स्टूडेंट यहाँ से है, इसको आप बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हो बाय यूजिंग दिस वन एक्सप्रेशन, कौन से वाला भला, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। बताओ स्टूडेंट्स कौन सी मोशन की बात कर रहे हैं, वर्टिकल, तो मैं सबके साथ वाई लिख लेता हूँ। हमने फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी पता लगानी है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी, दैट वाज वी आई साइन थीटा, और इस प्रोजेक्टाइल की अपवर्ड मोशन के दौरान हम एक ही जगह पे क्या लिख रहे होंगे, जी लिख रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फाइनली वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी पता लगाने का फॉर्मूला आ गया है। ओके, तो ये एक क्विक ओवरव्यू आपके सामने है किसका भला, वर्टिकल मोशन का। तो यहाँ भी आपको वर्टिकल मोशन में से कुछ भी पूछे तो इसको आपको क्विकली पता होना चाहिए, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। अच्छा, अब समटाइम वो एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट्स के बारे में नहीं बात कर रहा होगा स्टूडेंट्स, ही विल बी टॉकिंग अबाउट द नेट कंपोनेंट्स, यानी आपको बोले कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान जो नेट फोर्स है वो कितनी एक्ट कर रही होगी। तो स्टूडेंट दैट इज रियली सिंपल स्टोरी, जो नेट फोर्स है दैट विल बी एक्स कॉम्पोनेंट स्क्वेयर प्लस वाई कॉम्पोनेंट स्क्वेयर, और सारे का क्या आएगा, स्क्वेयर रूट आएगा। तो एक्स कंपोनेंट में एयर फ्रिक्शन तो निगलेक्टेड है, लिहाजा एक्स कंपोनेंट हमेशा ही जीरो मिलेगा, लेकिन वाई कंपोनेंट जो है वो आपको नॉन जीरो मिल रहा होगा। तो जो नेट फोर्स आएगी स्टूडेंट्स वो किसके बराबर आ जाएगी, वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स के बराबर आ जाएगी, और वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स हमेशा किसके बराबर होगा, वेट के बराबर होगा। तो अगर आपसे पूछे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान लोएस्ट पॉइंट पे या हाईएस्ट पॉइंट पे कहीं भी आपसे पूछे कि नेट फोर्स जो है वो कितनी एक्ट कर रही होगी, तो स्टूडेंट्स वो वेट के बराबर एक्ट कर रही होगी। अब नंबर दो में वो किसी भी पॉइंट पे आपसे एक्सेलरेशन पूछ सकता है। अब दो चीजें याद करो, किसी भी पॉइंट पे स्टूडेंट्स अगर वो आपसे एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पूछे तो आंसर क्या होगा, जीरो। ओके, किसी भी पॉइंट पे वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन पूछे तो वो किसके बराबर होगा, जी के बराबर। लेकिन स्टूडेंट्स अगर वो किसी भी पॉइंट पे आपसे जस्ट एक वर्ड बोले एक्सेलरेशन, इट मींस ही इज टॉकिंग अबाउट द नेट एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा वो बहुत सिंपल स्टोरी है, एक्स का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। एक्स कंपोनेंट हमेशा कितना रहेगा? जीरो रहेगा। वाई कंपोनेंट हमेशा जी के बराबर रहेगा। तो आपके पास जो नेट एक्सेलरेशन है वो भी किसके बराबर आएगा? जी के बराबर आएगा। तो लोएस्ट पॉइंट पे पूछ ले, हाईएस्ट पे पूछ ले, बीच में कहीं भी पूछ ले, पूछे एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट होगा आपका आंसर होगा जीरो, पूछे वाई कंपोनेंट होगा आपका आंसर होगा जीरो, पूछे नेट एक्सेलरेशन होगा आपका आंसर होगा क्या भला? जी। और मजे की बात बताऊं कि ये तीनों के तीनों एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, क्योंकि एक्स कंपोनेंट ने हमेशा जीरो रहना है, जीरो इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर पूछे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कौन सा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, एक्स भी कांस्टेंट रहेगा स्टूडेंट, वाई कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट, वो जी के बराबर। और अगर आपसे बोले नेट एक्सेलरेशन के बारे में बताओ स्टूडेंट्स, वो भी तो जी के बराबर ही रहेगा ना, तो जो नेट कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें भी कोई परेशानी वाली बात है नहीं। अब द इम्पोर्टेंट थिंग इज वो आपसे किसी भी पॉइंट के ऊपर नेट वेलोसिटी पूछे, भाई वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के लिए परेशानी नहीं है। किसी भी पॉइंट पे अगर फाइनल वेलोसिटी पूछेगा तो यू विल बी फाइंडिंग एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस क्या होगा? वाई कंपोनेंट स्क्वायर और सारे का क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो एक्स कंपोनेंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कभी भी चेंज नहीं होता, शुरू में अगर वी आई कॉस थीटा था तो फाइनली भी आपको क्या मिल रहा होगा? वी आई कॉस थीटा ही मिल रहा होगा। और स्टूडेंट्स जो वाई कंपोनेंट है उसकी वैल्यू मैंने अभी आपको कैलकुलेट करना बताई, अभी आपने वाई कंपोनेंट का ये फॉर्मूला लिखा था आपके सामने है, वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। तो मैं वाई कंपोनेंट की जगह पे क्या लिखूंगा? वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, इस होल का क्या आ जाएगा? स्क्वेयर आ जाएगा और सारे के ऊपर क्या आएगा? स्क्वेयर रूट आएगा। स्टूडेंट दिस इज एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, और कभी कभार वो फॉर्मूला पूछ रहा होता है तो आपकी नजर से गुजरा होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक दफा आपको लिख दिया क्या भला, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान फोर्स की नेट वैल्यू, एक्सेलरेशन की नेट वैल्यू और वेलोसिटी की नेट वैल्यू। तो इनमें से कुछ भी पूछे तो ये भी अप्रोच करना चाहिए। अब चलते हैं असल में, जो टेक्निकल पार्ट है वो अभी शुरू होने जा रहा है। अब आपकी तवज्जो थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी, पहले वाला पोर्शन कंपेरेटिवली आसान था, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात थी नहीं। आइए बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में मैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता के फिर आपको अगले कॉन्सेप्ट में लेके जा रहा हूँ। अच्छा पहली बात क्या है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज हमने इस प्रोजेक्टाइल को जो है वो प्रोजेक्ट कर दिया है एट सम एंगल थीटा विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई। मतलब आपने शुरू में यहाँ पे स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी वी आई से जो है वो थ्रो कर दिया है एट सम एंगल, कितने एंगल पे स्टूडेंट्स? थीटा एंगल पे थ्रो कर दिया विद सम इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब मैं आपको दो तीन चीजें बताना चाह रहा हूँ। नंबर एक में तो याद रखो कि जो जो ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगी ना तो इसकी वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो डिक्रीज करता रहेगा। मैं क्या बात कर रहा हूँ दोबारा सुनो, चले थोड़ा सा ऊपर वाले पॉइंट की बात करते हैं बेटे। यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, तमाम बच्चे देखेंगे यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ओके। और ये है एक्स एक्सिस, आप लोग देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है उसका एक्स एक्सिस का एंगल जो है वो थोड़ा डिक्रीज कर चुका है, पहले इतना नहीं मिलेगा। थोड़ा और ऊपर जाएंगे स्टूडेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल जो है वो मजीद कम हो चुका है, आपको नजर आ रहा है। तो एक सवाल आता है कि जब प्रोजेक्टाइल अपवर्ड मूव कर रही है तो जो वेलोसिटी है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ या एक्स एक्सिस के साथ एंगल पे क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ कि ड्यूरिंग, और मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के बारे में सारी बातें हो रही हैं, लीनियर का अलग टॉपिक है। ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन स्टूडेंट याद रखिएगा, ड्यूरिंग ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन क्या होगा? द एंगल ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, जो वेलोसिटी वेक्टर है उसका एंगल जो होगा दैट विल डिक्रीजेस विद हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ या एक्स एक्सिस के साथ उसका आहिस्ता आहिस्ता एंगल जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करता रहेगा, पहली बात ये याद कर लो। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, व्हेन यू विल बी एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब आप यहां पे पहुंचोगे तो वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब है कि इसका वाई कंपोनेंट वैसे ही जीरो हो जाएगा। समटाइम बच्चे सोचते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल वेलोसिटी जीरो हो गई है, बेटे नहीं, एक्स कंपोनेंट कभी भी जीरो नहीं होना। तो एक बात याद कर लो,
हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, हाईएस्ट पॉइंट से पहले वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट मौजूद थे। मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी था, आप देख सकते हो वाई भी था, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ एक्स कंपोनेंट भी था वाई भी था, लेकिन जब हाईएस्ट पॉइंट पे गए हैं तो जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या हो गया, जीरो। यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ कौन सा भला, एक्स कंपोनेंट मिल रहा होगा। तो यही पॉइंट है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स कुछ चीजें आपको हाईएस्ट पॉइंट के बारे में, आपको ये मैं बता भी, विजुअलाइज भी हो रही है चीजें, कि जो मैंने अभी बताया कि जब वो ऊपर जा रहा होगा, आप लोग देख सकते हो ये एंगल कम हो ही जा रहा है स्टूडेंट्स, ये एंगल मजीद कम कम और कम हो ही जा रहा है। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो यू कैन सी के वेलोसिटी सिर्फ हॉरिजॉन्टल रहेगी है। तो मैं हाईएस्ट पॉइंट के लिए तीन चीजें लिखने जा रहा हूँ, और अब मैंने बोला आपकी बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए होगी। नंबर एक में मैं लिखने जा रहा हूँ कि हाईएस्ट पॉइंट पे कुछ बच्चों का मिसकॉन्सेप्शन है कि भाई वेलोसिटी जीरो हो जाती है, उनको ऐसा बताया जाता है। नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे बच्चों याद रखो जो वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, जीरो। अभी मैंने आपको बताया कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे सिर्फ वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट होता है, वाई नहीं होता। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी जीरो होगा? नहीं सर, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। तो अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछूं, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, जितना शुरू में था उतना ही किसी भी पॉइंट पे देखोगे उतना होना ही होना है, कभी वो जीरो हो नहीं सकता। तो हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपसे एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, वी आई कॉस थीटा। लेकिन अगर एक्स या वाई कंपोनेंट नहीं, आपसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वो बोले बच्चों नेट वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, तो वही एक्स का स्क्वेयर प्लस वाई का स्क्वेयर। तो एक्स तो क्या हो चुका है बच्चों, वाई तो क्या हो चुका है जीरो। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी मिलेगी वो एक्स कंपोनेंट के बराबर मिलेगी, और इनफैक्ट वो कितनी होगी, दैट विल बी वी आई कॉस थीटा। लो बच्चों, ये कहानी से रिलेटेड समटाइम क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे उन क्वेश्चंस को लेके परेशान होते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अब वो जब भी हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे वेलोसिटी पूछे ना, तो आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, वी आई कॉस थीटा। मैं आपको चार चीजें बताऊंगा हाईएस्ट पॉइंट के लिए, लेकिन अभी सिर्फ वेलोसिटी का बता रहा हूँ, तो आपकी पूरी तवज्जो इधर होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट्स, मेरा एक सवाल है कि लेट्स सपोज कि हमने क्या किया कि अब प्रोजेक्टाइल, चले मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ जल्दी से, कि हमने क्या किया कि एक प्रोजेक्टाइल है उसको थ्रो कर दिया। अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, हमने उसको स्टूडेंट्स थ्रो कर दिया, कितने एंगल पे, एट 60 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद 10 मीटर पर सेकेंड। हमने एक प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकेंड से कितने एंगल पे थ्रो कर दिया, 60 डिग्री पे। अब सवाल ये है कि व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट या हाईएस्ट पॉइंट, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वहां पे आंसर जीरो भी होगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपने जीरो चूज नहीं करना। मैंने बताया हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो है वो हमेशा मौजूद रहता है, एंड दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बड़ी आसान कहानी है, जब भी आपसे वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पूछे तो परेशानी वाली बात नहीं। आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे स्टूडेंट्स, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट के लिए फॉर्मूला यूज करोगे कौन सा भला, वी आई कॉस ऑफ थीटा। तो वी आई उसने आपको बता रखा है कि हमने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका था, आपने इसकी वैल्यू 10 लिख दी, और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, 60 डिग्री है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1 बाय, ये 10 आ गया, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 या 1/2। तो आपका आंसर कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो ये है कि जब भी वो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो आपने 5 मीटर वो जो है वी आई कॉस थीटा वाले फॉर्मूले से उसको मालूम कर लेना। अच्छा, नंबर दो में एक और तरह का क्वेश्चन आता है, और स्टूडेंट्स उस सवाल को लेके भी परेशान रहते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिएगा, मैं एक और क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ बेटे। क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्टाइल है, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट लिख लेते हैं ताकि ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। चलो मैं क्वेश्चन लेता हूँ कि लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल है, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, हमने अब की दफा उसे थ्रो किया है बच्चों, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट कितने पे भला, मतलब एंगल नहीं बताया हुआ, विद कर लें, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद, कुछ वेलोसिटी बता दी है जिसके साथ थ्रो किया जा रहा है, विद
वी इज इक्वल टू 4 i कैप प्लस 3 j कैप मीटर पर सेकेंड। आपने इतनी वेलोसिटी थ्रो कर दिया। अब सवाल क्या है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब बच्चे एक चीज को लेके परेशान हैं, तो मैं आपकी वो परेशानी इंशाल्लाह खत्म करने जा रहा हूँ। और मैंने बोला इस टाइप के सवाल आएंगे। अब बच्चों को चलो एक चीज समझ आ गई कि सर अभी आपने बताया था कि जब भी वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट पूछे तो फॉर्मूला बड़ा आसान है। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है वी आई कॉस ऑफ थीटा। चलो इनिशियल वेलोसिटी तो आप निकाल ही लोगे, मतलब इनिशियल वेलोसिटी में इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो। बेटे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आ रही है, आपको पता है, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर आएगा, सारे का स्क्वायर रूट मालूम करोगे तो ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू तो 5 आ जाएगी। लेकिन स्टिल वी गॉट अ प्रॉब्लम, हमें थीटा भी तो नहीं दे रखा। तो बच्चे कहते हैं सर कोई मसला नहीं, हम थीटा ही पता लगा देंगे। थीटा विल बी टेन इनवर्स ऑफ क्या भला, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट देखो कितना है, 3 है, ओवर एक्स कंपोनेंट वो कितना है, 4 है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिनका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है वो ट्रायंगल बना के यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बच्चों को टेन इनवर्स ऑफ 3/4 की वैल्यू याद नहीं, तो वो यहाँ पे आके स्टक हो जाएंगे कि भाई अब ये कॉस, चलो थीटा नहीं आया तो फिर कॉस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, वो यहाँ पे स्टक हो गए। अब बच्चों आपको ये सारा कुछ करना ही नहीं था, क्यों नहीं करना था उसकी वजह सुनो। देखो यहाँ पे जब हमने शुरू में वेलोसिटी उसको दी, यहाँ पे गौर कीजिएगा तो ये कितनी है, 4 i कैप प्लस 3 j कैप, यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इनिशियली कितना है, 4, और इनिशियली वाई कंपोनेंट कितना है, 3। बताओ जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे, मैं पहले लिख दूं यहाँ पे, इनिशियली वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना था, दैट वाज 4 m/s, आपको नजर आ रहा है डेटा में यहाँ पे, और इनिशियली वाई कंपोनेंट कितना था, दैट वाज 3 m/s। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट, जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे, जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएंगे तो वाई कंपोनेंट ने तो वैसे ही क्या हो जाना है, 0। और हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने बार बार बोला जो नेट वेलोसिटी आ रही होगी वो हमेशा किसके बराबर आएगी, एक्स कंपोनेंट, और एक्स कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, जितना शुरू में होगा हमेशा उतना ही मिलेगा। तो आपको सिंपली कोई चीज सॉल्व नहीं करनी थी, आपको सिंपली आंसर जो है वो किसके बराबर लिख देना था, एक्स कंपोनेंट के बराबर लिख देना था। तो अगर वो ऐसे कोई सवाल दे, यानी वेलोसिटी का एक्स और वाई कंपोनेंट दे रखे हो और पूछे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो स्टूडेंट्स वो आपने एक्स कंपोनेंट के बराबर लिख देनी है। होपफुली आपको हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी के बारे में समझ आ गई होगी। लेकिन स्टूडेंट्स आपको हाईएस्ट पॉइंट पे ना सिर्फ वेलोसिटी पता लगानी है, बल्कि आपको हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर 4 चीजें याद रखनी है। वो 4 चीजें कौन सी हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, नंबर एक में अगर वो आपसे हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो वो तो हो गई। हाईएस्ट पॉइंट पे स्टूडेंट्स वो अगर आपसे वेलोसिटी पूछेगा तो जल्दी जल्दी बता दो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं हाईएस्ट पॉइंट के लिए लिख रहा हूँ। हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी वी आई कॉस ऑफ थीटा। ओके, दूसरा सवाल है हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना होगा, वो ये भी पूछ सकता है, मोमेंटम एट द हाईएस्ट पॉइंट। बच्चों परेशानी नहीं है, बच्चे कहें सर मोमेंटम का फॉर्मूला तो पढ़ा नहीं। भाई मोमेंटम मालूम करना कोई मुश्किल बात नहीं है, आप मास को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे भला, वेलोसिटी से, और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही होता है। तो बताओ एम ऐसे ही लिखा, एक्स कंपोनेंट कितना होता है, वी आई कॉस ऑफ थीटा होता है। स्टूडेंट देख के बताओ जरा ये एम वी आई क्या है, ये है इनिशियल मोमेंटम जब बिल्कुल शुरू में आपने उसको प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया था। तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे एक तो मोमेंटम का ये फॉर्मूला लिख सकते हो जो मैंने सामने लिख दिया, और दूसरा बेटे आप हाईएस्ट पॉइंट पे जो मोमेंटम का फॉर्मूला लिख सकते हो वो होगा एम वी आई की जगह पे आप क्या लिख दोगे, इनिशियल मोमेंटम। तो दैट विल एक्चुअली बी इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। तो मेरी कुछ रिकमेंडेशंस हैं बच्चों, ये फॉर्मूले याद कर लो, हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम पूछे तो इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अगर बेटे हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे, अब ये मत बोल दीजिएगा हाईएस्ट पॉइंट पे जाके रुक जाएगा सर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, नहीं, हाईएस्ट पॉइंट पे नंबर 3 में वो आपसे क्या पूछ सकता है, ही कैन आस्क अबाउट द काइनेटिक एनर्जी।
अब बच्चे कहेंगे सर पढ़ा नहीं हुआ फॉर्मूला, लेकिन डिराइव करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मैं हमेशा शॉर्टकट तो बताता हूँ बट बैकअप जरूर बता रहा होता हूँ। तो पहले ड्राइव कर लेते हैं 1/2 mv² बेटे। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट मौजूद है इनिशियल वाला, तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखो, ये बनेगा 1/2 m, ऐसे ही आएगा स्टूडेंट। एक्स कंपोनेंट ऑफ द, या हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रहता है, तो एक्स कंपोनेंट की जगह पे हमने क्या लिख दिया, वी आई कॉस थीटा, इस सारे का क्या आ गया स्क्वेयर भी है। तो दिस विल एक्चुअली बी इक्वल टू 1/2 m, ऐसे ही आया स्टूडेंट, वी आई स्क्वेयर और साथ में क्या आ गया कॉस स्क्वेयर थीटा। मैंने ये स्क्वेयर को सिंपली एक्सपेंड कर लिया। अब स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्रैकेट में चीज लिखी हुई है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, इसको देखो जरा, ये क्या चीज है। ये है बिल्कुल शुरू में जितनी आपने काइनेटिक एनर्जी दी थी, तो क्या आप इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिख सकते हैं। एक तो हाईएस्ट पॉइंट पे आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, और दूसरा बेटे मैंने बताया ये 1/2 mv² क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आप हाईएस्ट पॉइंट पे अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो उसका फॉर्मूला याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट दैट विल बी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये तो मैंने इसकी जगह लिखा है बच्चों, साथ में एक और चीज भी आ रही है, क्या भला, मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा। तो स्टूडेंट दूसरी कहानी ये है कि अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आंसर जीरो मत कीजिएगा, अगर वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ऑब्वियसली होगी। नंबर चार में वो हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे पोटेंशियल एनर्जी भी पूछ सकता है। हाईएस्ट पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो वो कैसे पता लगाओगे स्टूडेंट्स, मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर चार में आपको हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा सकती है। ओके, आइए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। बेटे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एट द हाईएस्ट पॉइंट में ढूंढने जा रहा हूं, तो एम जी एच होता है। मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ा आगे चल के कि जब भी हम लीनियर प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, ये फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, जब मैंने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो स्टूडेंट्स वो कोई ना कोई मैक्सिमम हाइट तो अटेन करेगी। मैं यहाँ पे ढूंढना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स उसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर मुझे ये पता चल जाए वो कितनी हाइट अटेन करेगा, तो मैं थोड़ा सा आगे चल के आपको हाइट का फॉर्मूला बताऊंगा, और आपने पढ़ भी रखा है इवन इंटर की क्लासेस में कि जो हाइट का फॉर्मूला होता है वो वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g होता है। तो ये हाइट का फॉर्मूला है, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट जो है वो आ जाएगी, और देखते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी। स्टूडेंट यहाँ पे आप लिख रहे होगे एम जी, ऐसे ही लिखो, ये ले बोलो हाइट की जगह में हम लोग क्या लिखेंगे जल्दी बताइएगा। हाइट की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर क्या आएगा 2g आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, कुछ फैक्टर्स कैंसल्ड आउट होने जा रहे हैं, जैसे ये जी जो है वो जी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो चीजें बच गई हैं उनको लिख लो स्टूडेंट, बाकी हमारे पास बच रहा है डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है 2, यानी मैं उसको लिख लेता हूँ 1/2। यहाँ से क्या बच रहा है, एम बच रहा है, तो ये मैं एम लिखूंगा। यहाँ से क्या बचेगा स्टूडेंट्स, वी आई स्क्वेयर और साथ में क्या आ रहा है साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा। ये मैंने किस चीज की वैल्यू बताई, पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। अब स्टूडेंट पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला भी लिख सकते हो, बस ये बताओ ये जो मैंने ब्रैकेट में चीज लिखी है व्हाट इज दिस, दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट अगर आपसे पूछे तो दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा साइन स्क्वेयर थीटा। तो मेरा आप लोगों से ये रिकमेंडेशन है कि आप ये चार चीजें हाईएस्ट पॉइंट के लिए याद कर लो। सर ये चार चीजें कौन कौन सी हैं, तो मैंने आपको बताया ये चारों की चारों चीजें आपके पास स्क्रीन पे मौजूद हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पूछे तो फॉर्मूला देख लो बच्चों, वी आई कॉस थीटा लिखा हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम पूछे तो इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वो पोटेंशियल एनर्जी पूछे तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा। और आपको ये समझ आ चुका है, और ये हाईएस्ट पॉइंट के लिए चारों फॉर्मूला ही आपको मेरा रिकमेंडेशन है कि याद कर लेने।
अब इसमें कुछ और बड़े इंपॉर्टेंट केसेस बन रहे हैं, मैं उनकी तरफ आपको लेके चलता हूँ, लेकिन होपफुली आपको ये समझ आ गई। अच्छा अब बच्चों मैं वापस आऊंगा इधर ही, मैं वापस आऊंगा इसी सवाल पे, लेकिन चलें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर मैं आपको, वैसे तो आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो, मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मैं आपको दो स्पेशल केसेस बता रहा हूँ। अगर बेटे वो प्रोजेक्टाइल को कभी 60 डिग्री पे थ्रो कर दे हॉरिजॉन्टल के साथ, मैं कुछ स्पेशल केसेस बता रहा हूँ कि अगर हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो, अगर हम थीटा कितना रख लें स्टूडेंट्स, 60 डिग्री रख लें, थीटा अगर हमारा 60 डिग्री हो जाए, तो तब मैं कुछ चीजें लिखने जा रहा हूँ। किस चीज के लिए मैं कुछ चीजें यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एट द हाईएस्ट पॉइंट, जब भी 60 डिग्री पे थ्रो करके, वैसे तो मेरा रिकमेंडेशन है आपने मालूम ही करना है, लेकिन कुछ चीजें अगर याद कर लोगे तो सोल्यूशन से भी बच जाओगे। तो बेटे हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वो 60 डिग्री पे थ्रो करे और आपको कुछ चीजें पूछे, क्या भला हाईएस्ट पॉइंट पे मुख्तलिफ चीजें पूछ ले, मतलब मेरा पहला सवाल है कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वो आपसे वेलोसिटी पूछ ले कि बताओ हाई 60 डिग्री पे थ्रो कर दिया, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, हमने इनिशियली थ्रो किया था विद सम वेलोसिटी वी आई। तो बेटे अभी मैंने बताया कि जब भी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी पता लगानी है तो वो कितनी होगी, जल्दी बोलिएगा, वी आई कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना पुट करोगे 60 डिग्री, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इनिशियल वेलोसिटी को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है हाफ। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बताओ कितने एंगल पे थ्रो कर दिया जाए कि जो वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो जाए, हाफ हो जाए। तो बच्चों याद रखना है कि 60 डिग्री ऐसा एंगल है जिस पे जब भी आप प्रोजेक्टाइल को फेंकोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब बच्चों ऐसी अक्लमंदी का मुजाहरा करो, जरा बताओ अगर वेलोसिटी हाफ हो गई है तो मोमेंटम पे क्या फर्क पड़ेगा, भाई वो भी हाफ हो जाएगा। अगर आपको पूछे हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटम कितना होगा तो मैं कहूंगा सॉल्व मत करो, आप बताओ अगर वेलोसिटी हाफ हुई है तो भाई मोमेंटम को भी क्या हो जाना चाहिए, इनिशियल से हाफ हो जाना चाहिए। लेकिन सर ये तो आप ऐसे ही बोल रहे हो, फॉर्मूले से बताओ। तो बेटे मैंने थोड़ी देर पहले देखो बताया था, अगर आपको मोमेंटम पता लगाना हो किधर भला, हाईएस्ट पॉइंट पे, तो क्या फॉर्मूला था, इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अभी फिर से कॉस 60 की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, तो जो ही आप कॉस 60 की वैल्यू 1/2 लिखोगे तो जो आपके पास मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट आएगा बेटे वो इनिशियल से क्या हो जाएगा, हाफ। ओके ये भी याद कर लिया हमने, याद नहीं किया मतलब सॉल्व कर लिया। अगर वो हाईएस्ट पॉइंट पे आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछे, मैं कह रहा हूं सॉल्व मत करो, या तो फॉर्मूला याद करो, हाईएस्ट पॉइंट पे 60 डिग्री वाले केस को याद भी कर सकते हो, याद नहीं करना तो फॉर्मूला है आपके पास, आप यूज कर सकते हो। चलो वैसे ही बताओ बेटे अगर वेलोसिटी हाफ हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, सर 4 टाइम कम आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या हमारा फॉर्मूला 4 टाइम कम दे रहा है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मालूम करने का फॉर्मूला लिखो बेटे, हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिएगा, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, बोलिएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा। आप कॉस स्क्वेयर थीटा को कॉस ऑफ थीटा का स्क्वेयर भी लिख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैंने ऐसे ही लिखा बच्चों, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि मैंने थीटा 60 रखा हुआ था। तो जब आप 1/2 का स्क्वेयर लोगे तो आपका आंसर 1/4 आ जाएगा। तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 1/4, यानी आप लोग देख सकते हो कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कितना हो चुकी है स्टूडेंट्स, 1/4 हो चुकी है। तो भाई सही है, वेलोसिटी हाफ हुई है तो काइनेटिक एनर्जी को 1/4 ही होना बनता था। और अगर वो आपसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर बच्चों पोटेंशियल एनर्जी पूछ ले 60 डिग्री पे थ्रो करने के बाद, मैं 60 डिग्री के केसेस बता रहा हूँ, और मैं एंड पे आपको मेरा रिकमेंडेशन होगा कि इसको याद भी कर लो। तो अगर 60 डिग्री पे थ्रो करे और आपको पूछे हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो स्टूडेंट्स यू विल बी यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपको पता है जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, व्हाट विल एक्चुअली बी दैट, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वेयर थीटा, और यू कैन राइट इट साइन ऑफ थीटा का स्क्वेयर। अब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैंने लिखी ऐसे ही,
अब साइन 60 की वैल्यू लिखनी है बेटे। साइन 60 की वैल्यू होती है, क्योंकि एंगल थीटा 60 था, स्क्वेयर रूट 3/2 होती है। इस सारे का क्या ले लो, स्क्वेयर ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4 इंटू क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। मैंने स्क्वेयर लिया है जैसे उसका। तो बेटे हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से कितना हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी। तो मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि ये वाला पर्टिकुलरली केस याद कर लो, 60 डिग्री वाला, कि जब भी 60 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से हाफ, जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम से हाफ, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से 1/4, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का 3/4 हो जाएगी। या अगर आपने याद नहीं करना तो स्टूडेंट्स आप वैल्यूज पुट करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 60 डिग्री वाले में याद कर लो, वेलोसिटी हाफ, मोमेंटम हाफ, काइनेटिक एनर्जी 1/4 और पोटेंशियल एनर्जी 3/4। एक और केस मेरा रिकमेंडेशन है कि एक और केस अगर वो 45 डिग्री पे थ्रो कर दे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो बच्चों इस चैनल के ऊपर मुसलसल एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी एग्जाम्स के हवाले से वीडियोज जो है वो पोस्ट हो रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको मुसलसल जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियोज के हवाले से। और नंबर 2 में स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक अच्छा सा कमेंट भी करें और अप्रिशिएट करें अपने टीचर को जो आपको इस मुश्किल टॉपिक को आसान बना रहा है। अच्छा बच्चों वापस आते हैं, मैंने बताया 60 डिग्री पे अगर थ्रो करे तो आपने होपफुली चीजें याद कर ली। अगर वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रख दे स्टूडेंट्स 45 डिग्री, अगर वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री रख दे और इनिशियल वेलोसिटी चले मैं कहता हूँ VI है, और आपसे फिर से कुछ चीजें पूछे कहाँ पे भला, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, तो आपको कुछ स्पेशल केसेस फिर से याद करने हैं। जब भी 45 डिग्री पे थ्रो करे तो आप कुछ चीजों को जो है वो सिंपली क्या कर सकते हो, मतलब याद भी कर सकते हो लेकिन आप मालूम भी कर सकते हो। लेकिन मैं ये क्यों पुट कर रहा हूँ, मुझे एक चीज समझाना है आपको। बेटे हमने 45 डिग्री पे थ्रो कर दिया, तो 45 डिग्री पे एक चीज सुन लो, जो विलोसिटी होगी, स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द विलोसिटी जल्दी जल्दी। हाईएस्ट पॉइंट पर विलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, VI cos ऑफ थीटा होता है। तो cos मैं थीटा डायरेक्टली 45 लिखूंगा, सबको पता है cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होगी, सॉरी जो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से कितने टाइम्स कम हो जाएगी, √2 टाइम्स कम हो जाएगी। और याद रखिएगा जो ट्रेंड वेलोसिटी का होगा वही ट्रेंड मोमेंटम का होगा। तो अगर मैं मोमेंटम पूछूं तो वो भी कम हो जाएगा, और इनफैक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे जो मोमेंटम होगा उसका फॉर्मूला सबको पता है, दैट इज इनिशियल मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। अगेन यू विल बी यूजिंग थीटा कितना भला, 45 डिग्री, और कॉस 45 की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम से कितने टाइम्स कम हो जाएगा बच्चों, √2 टाइम्स कम हो जाएगा। ओके ये दोनों बातों तो होगी, मैंने जिस वजह से ये सवाल पुट किया है वो वजह अब आ रही है। अच्छा बच्चों जब भी आप 45 डिग्री पे पुट करोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने आने जा रहा है। हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखा, 45। तो जब भी 45 डिग्री पे फेंकोगे अगर वो आपसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी पूछे तो फॉर्मूला रिकॉल करो, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय क्या है, कॉस स्क्वेयर ऑफ थीटा। बच्चों बताओ हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हम पुट करने हैं, 45। तो बेटे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हमने ऐसे ही लिखा, और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन ऊपर स्क्वेयर भी आ रहा है। तो जब आप वन, बल्कि एक दफा लिख ही ले वैल्यू, 1/√2, इस सारे का क्या आ रहा है, स्क्वेयर आ रहा है। तो ये आया स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वेयर रूट, √1 नहीं आ जाएगा, √2 का √2 जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि हाईएस्ट पॉइंट पे अगर पूछे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना रखें कि जो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाए, हाफ हो जाए, तो योर आंसर शुड बी 45 डिग्री। तीन इंपॉर्टेंट बातें आनी है, मैंने पहली बताई है, जब भी 45 डिग्री पे फेंकोगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी स्टूडेंट्स वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएगी, हाफ। और सबसे मजे का पॉइंट अभी आ रहा है,
अगर मैं हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पता लगाऊं, मैं बोलूं यू आर गोइंग टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, बताओ बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो अगेन हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, जो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट का फॉर्मूला है वो सारे स्टूडेंट्स को याद है, बोलो जल्दी से, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, जल्दी बोलिएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अब बोलो बच्चों काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऐसे ही लिखा, साइन 45 की वैल्यू भी कितनी होती है, कॉस 45 वाली ही होती है, 1/√2, लेकिन ऊपर क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो जू ही आप क्या करोगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल करोगे, तो जो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट होगी वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या आएगी, हाफ आएगी। आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट क्या है कि जब भी आपने 45 डिग्री पे थ्रो किया, व्हेन वी आर थ्रोइंग एट द 45 डिग्री, तो जितनी हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी आई थी बच्चों कितनी आई थी, वो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हाफ। एक तो ये सवाल हो सकता है कितने एंगल पे फेंके कि हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल से हाफ हो जाए, तो 45। कितने एंगल पे फेंके कि हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से हाफ हो जाए, तो आपका आंसर क्या होगा, 45 डिग्री। और मजे की बात बताऊं, ये दोनों वैल्यूज हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू सेम आ रही है, देखो यहाँ भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, 45 डिग्री वो एंगल है जिसके ऊपर जब भी आप प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे, तो मैं तीन इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूं। क्या, एक तो पहली बात याद रखो, जो काइनेटिक एनर्जी होगी जब भी 45 डिग्री पे थ्रो करोगे, काइनेटिक एनर्जी जो होगी हाईएस्ट पॉइंट पे वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, हाफ। जो पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट होगी स्टूडेंट्स वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या हो जाएगी, हाफ। ओके, जब भी आप 45 डिग्री पे थ्रो करोगे तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स हैं, याद कर लो कि 60 डिग्री पे थ्रो करेंगे तब क्या क्या होगा, और अगर आपने 45 डिग्री पे थ्रो कर दिया तो ये सारी कहानी आपके सामने है, आपको ये दोनों केसेस याद कर लेने। बात खत्म नहीं हुई अभी, अभी हम हाईएस्ट पॉइंट पे ही हैं। अच्छा, कुछ और चीजें भी पूछेगा, वो चीज क्या होगी, अगर आपको बोला जाए कि एक प्रोजेक्टाइल है, चले मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और फिर हम इस कहानी को खत्म करते हैं, सवाल बड़े ध्यान से सुनिएगा, थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली इजी अगर आप ये चीजें सुन रहे हो। तो बच्चा पार्टी ये बताइएगा जरा कि मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया कितने एंगल पे, लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैंने थ्रो किया कितने एंगल पे, 60 डिग्री विद, ऐसा करते हैं हमने 60 डिग्री पे थ्रो कर दिया बच्चों किसके साथ भला, हॉरिजॉन्टल के साथ, हमने हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री पे थ्रो कर दिया, और एक सवाल पूछा गया, एक प्रोजेक्टाइल है उसको 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल के साथ हमने थ्रो किया, और सवाल ये है कि व्हाट विल बी, मैं एक सवाल नहीं बना रहा, मैं यहां से चार क्वेश्चन बनाऊंगा, व्हाट विल बी इट्स क्या भला मिनिमम मोमेंटम, बताओ इसका कम से कम मोमेंटम कितना होगा। एक तो पूछ सकता है व्हाट विल बी इट्स मिनिमम मोमेंटम, बताओ इसका कम से कम मोमेंटम कितना होगा। अब बच्चे कहें सर कम से कम मोमेंटम, ओके, या वो पूछ सकता है व्हाट विल बी इट्स मिनिमम वेलोसिटी, बताओ इसकी कम से कम वेलोसिटी क्या होगी, फिर से परेशान सर कम से कम वेलोसिटी कहां से लाएं, ओके, या वो पूछे व्हाट विल बी इट्स मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, बताओ इसकी कम से कम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो बच्चों एक बात सुन लो, एक बात सुन लो, जब भी ये सवाल आए तो परेशानी बननी है, और मैं यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और वो सुन लो, जब भी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है और जब भी हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं,
तो हाईएस्ट पॉइंट के बारे में मैंने चार चीजें तो बताई हैं, पर उन चार चीजों में से तीन चीजों के बारे में एक चीज याद करो, जब भी ये हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा, एक बात सुन लो बच्चों, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी। सर मिनिमम क्यों होगी? बेटे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट होता है, एक वाई। जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा इसका एक कंपोनेंट ही खत्म हो जाएगा, तो जब एक कंपोनेंट ही खत्म हो गया तो वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी? मिनिमम। तो अगर पूछे हाईएस्ट पॉइंट पे अगर पूछे मिनिमम वेलोसिटी, तो बेटे आपने वही मालूम करनी है जो हाईएस्ट पॉइंट पे होगी। और जल्दी बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर वेलोसिटी मिनिमम हो गई है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी को भी क्या होना चाहिए भाई? मिनिमम ही होना चाहिए, क्योंकि वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। बताओ मोमेंटम को हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो बेटे अगर वो प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान पूछे उसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी, उसका मिनिमम मोमेंटम कितना होगा, उसकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो जब भी वो ऐसी कोई बात करे तो बेटे आपने वेलोसिटी, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पता लगाने, कौन से भला? हाईएस्ट पॉइंट वाले। मेरे ख्याल से बात बन चुकी है। चलो मैं एक चीज पता लगा देता हूँ कि बताओ इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी। तो बेटे मिनिमम वेलोसिटी पता लगानी है तो वो कौन सी होनी है जो वेलोसिटी होगी एट द हाईएस्ट पॉइंट? तो वी आई मल्टीप्लाई बाय क्या रहा? कॉस ऑफ थीटा, और थीटा वी आर गिवन विद हाउ मच? दैट इज 60 डिग्री। तो जो ही हम 60 डिग्री पुट करेंगे तो जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से हाफ आ जाएगी पूरी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, और कोई पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहां पे वेलोसिटी इतनी कम हो। ये कम से कम वेलोसिटी है। अब आप काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पता लगा सकते हो। बेटे तीन चीजें तो हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होती है, कौन भला? मोमेंटम, वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी। बेटे मैंने एक चौथी चीज भी बताई थी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अजान खामोश। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर अगर वो आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, अगर वो आपसे हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी पूछे, तो बेटे हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी हाइट बढ़ते बढ़ते ज्यादा हो गई है। तो जब हाइट मैक्सिमम होगी तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही होगी? मैक्सिमम। अगर वो 60 डिग्री पे थ्रो करने के बाद आपसे ये पूछता कि व्हाट विल बी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटे आप वही मालूम करोगे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी। कौन सी भला? पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, जिसका फॉर्मूला आपको याद है स्टूडेंट्स, एक्चुअली दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? साइन स्क्वेयर ऑफ थीटा। तो ये वाला हमारे पास स्टूडेंट फॉर्मूला रहेगा किसका भला? मैक्सिमम पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। होपफुली आपको बात जो है वो समझ आ रही होगी।